मान लीजिए पिवट टेबल में हमने जो है क्वांटिटी को रख दिया, मान लीजिए इसमें वैल्यू फिल सेटिंग, या फिर आपके डेटा में जो भी क्वांटिटी है उसको ले लेते हैं। जैसे ये आपका पूरा सेल आया हुआ है और मैं लास्ट में एक क्वांटिटी का कॉलम ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए छोटा डेटा, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा है तो इसकी जो टोटल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े में आ रहे हैं, जिस कारण से समझना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अब इसको सिलेक्ट करके हम पिवट टेबल बना रहे हैं। पिवट टेबल बनाने के बाद हम यहाँ क्वांटिटी को यहाँ रखते हैं और मान लीजिए नेम को यहाँ रखते हैं, तो ये रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। बट मुझे क्या करना है, इसके टारगेट को देखना है। मुझे पता करना है कि भाई पूजा ने 6434 जो सेल किया है उसका ओवरऑल टारगेट क्या है। ओवरऑल टारगेट क्या है, ए छोटी स्कूल जाना है, पापा ले जाएंगे गाड़ी से, बुन बुन, ठीक है बैठ बैठो, पापा क्लास खत्म कर लेते हैं फिर ले जाएंगे, ठीक है ना, चुप रहना बोलना। तो हमने क्या किया कि अपने डेटा में सबसे नीचे टारगेट को ऐड किया, टारगेट, और यहां हमने मान लीजिए कि 9000 रुपये का टारगेट, 9000 क्वांटिटी का टारगेट ऐड कर दिया। अब प्रॉब्लम यहां हुई कि हमने जो डेटा ऐड किया वो 81 नहीं 82 में, अब एक पिवट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। रीजन ये हुआ कि जब मैंने पिवट लगाया तो मेरा डेटा 1581 तक था, 1582 हमने नया ऐड किया है। तो यहां हम क्या करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, चेंज डेटा सोर्स, और चेंज डेटा सोर्स में हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे दोबारा से, ताकि 9000 जो है पिवट के अंदर आ जाए और यहाँ आपको 9000 टारगेट शो हो जाए। अब मैंने यहाँ क्वांटिटी को एक बार और रखा और मैं चाहता हूँ कि ये जो 9000 है इससे बाकी सबको डिवाइड कर दिया जाए ताकि हमें अचीवमेंट मिल जाए। तो उस केस में हम वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके यहाँ परसेंटेज ऑफ और नेम में मैं यहाँ नीचे आके टारगेट को सिलेक्ट कर लिया। अब क्या हुआ कि टारगेट की अमाउंट को बाकी सबको डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये आपके सामने कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इसमें हमारा मंथली टोटल है या किस तरह, मान लीजिए जोन वाइज हमारा टोटल हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। अब प्रॉब्लम है कि हमने जोन वाइज जो टोटल यहाँ पे हमने निकाल दिया, क्वांटिटी रख देता हूँ। इसमें और चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं।